आपने 5 रुपए वाला चिप्स का पैकेट तो खरीदा ही होगा। पैकेट भरा भरा सा लगता है, उससे यही प्रतीत होता है कि 5 रुपए में कितना ज्यादा चिप्स मिल रहा है, लेकिन जब उस पैकेट को खोलते हैं तो उसमें चिप्स कम और हवा ज्यादा रहता है। कुछ ऐसा ही हाल वाराणसी का है। 2013 में प्रांजल यादव ने जितना विकास नहीं किया होगा, उससे ना जाने कितना ज्यादा गुना विकास वाराणसी में हो गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें तो यही बताती हैं कि वाराणसी का हाल 5 रुपए वाले चिप्स के पैकेट जैसा ही है। विकास के नाम पर दिखाने को कुछ चंद चीजें हैं, बाकी सब हवा है। अब आप कहेंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूं। साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वाराणसी की तस्वीरें बोल रही हैं। हमारे सहयोगी विश्वजीत ने बताया कि वाराणसी के पड़ाव क्षेत्र के अंतर्गत नई बस्ती जलीलपुर गांव कुछ वर्ष पूर्व राष्ट्रपति द्वारा निर्मल और स्वच्छता के मामले में सम्मानित किया जा चुका है। बावजूद इसके यहाँ की स्थिति फिलहाल काफी नरकी है, जिसकी सूद लेने वाला ना कोई राजनेता है और ना ही कोई अधिकारी। जबकि स्थानीय लोगों के अनुसार यह मामला पत्रक और समय समय पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से शासन प्रशासन के सभी महकमे में संज्ञान के रूप में लाया जा चुका है, परंतु आज तक इस समस्या का निदान नहीं हुआ। यह समस्या वर्ष 2014 के पहले से है। सत्ता में आने से पहले जिला पंचायत सदस्य, सांसद और विधायक समेत अन्य अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा कई प्रलोभन दिए गए, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन महत्वपूर्ण था। वर्तमान में सरकार भी लगभग 600 आबादी वाले क्षेत्र की सूद नहीं ले रही है, जबकि 2019 में ग्रामवासियों द्वारा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने पर वर्तमान सरकार ने कच्चा नाला बनाने का काम शुरू करवा दिया था। चुनाव परिणाम आ गए और नाले को खोदकर छोड़ दिया गया और काम बंद हो गया। वर्तमान में क्षेत्र का कूड़ा कचरा गंदगी ही राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित जलीलपुर गांव की पहचान है। सफाईकर्मी भी अपने आप को असमर्थ दिखाते हुए मामले से पल्ला झाड़ लेते हैं, क्योंकि उन पर किसी उच्च अधिकारी या जनप्रतिनिधियों का कोई दबाव नहीं है। स्थानीय निवासी संजय देवंशी ने बताया कि तकरीबन 600 लोग इस आबादी में रहते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लगभग 600 आबादी जलीलपुर गांव छोड़कर पलायन के लिए मजबूर होगी। कुछ लोग तो अब तक अपनी संपत्ति बेचकर यहां से जा भी चुके हैं, साथ ही कई मकानों पर तो ताला भी लटका हुआ है। परिचय दीजिए, कहां रहते हैं, क्या नाम है आपका? संजय कुमार देवंशी, जलीलपुर नई बस्ती। संजय जी, क्या समस्या है आपके यहाँ? भैया, यहाँ समस्या 5-7 साल से है, और इसी तरह पानी से लोग आते जाते रहते हैं। बच्चों के स्कूल सब छूट गया। संजय जी, किस तरीके का ये पानी है, इसके बारे में बताइए। ये पानी सीवर का पानी है। घर से जो पानी बाहर निकलता है वो निकासी न होने के कारण ऐसी गली में पड़ा रहता है। कितने सालों से ये समस्या है? 7 साल। आप लोगों ने इसके लिए क्या शिकायत वगैरह की? हाँ, सभी जगह गया, सीएम कंप्लेन में गया, सब जगह पेपर दिया गया, फोटो दिया गया, पेपर में भी आया, मगर अभी कुछ निष्कर्ष उसका नहीं निकलता है। यहाँ आप लोगों ने वोट ना डालने की भी एक विरोध की तरह किया था? हाँ, उस समय डाला गया था। वक्ती देखिए, आपके सामने पड़ा हुआ कच्चा नाला खनाया था, फिर पटाया। क्या हुआ था उस समय, ये बताइए? उस समय वही खनाया गया था वक्त चुनाव के समय में, फिर उसके बाद दूसरे दिन बंद कर दिया गया, काम ही नहीं लगा। फिर वोट भी खत्म हो गया। तब से आप लोग ऐसे ही हैं? हाँ, तब से ऐसे ही हैं। यहाँ के क्षेत्रीय प्रधान और जनप्रतिनिधि जो हैं, उनका क्या रोल है इसमें, क्या कहना है? उनका है भाई, वो लोग कह रहे हैं कि हम तो काम कराए मगर रेलवे वाले ने रोक दिया, तो उसमें हम क्या करें? क्या ये प्रॉपर्टी रेलवे की है? नहीं, प्रॉपर्टी रेलवे को दी तो रेलवे अपना रेलवे कौन होता है फिर काम? रेलवे का जो है वो उतना है जितना है उसका, मगर पूरी संपत्ति रेलवे की नहीं ना हो सकती है। प्रधान कोई आश्वासन आप लोगों को देते हैं या प्रधान इस पर कुछ संज्ञान लेते हैं? प्रधान क्या कहेंगे, प्रधान आते हैं और कहते हैं भैया हम तो किए हैं मगर नहीं हुआ तो हम क्या करें। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या इनका उनका सिर्फ यही रोल है? क्या प्रधान उन्हें इसलिए बनाया गया था कि एक क्षेत्र का विकास करे वो और दूसरा क्षेत्र छोड़ने? अब क्या कहा जा सकता है, जब तक चुनाव का समय रहता है लोग दौड़ते हैं। जब चुनाव आया था प्रधान का तो गली में पंप लगाकर पानी निकलता था रोज सुबह शाम। यहाँ विकास के कार्य कुछ दिख रहे हैं, जैसे गैस पाइपलाइन लोगों के अंदर गई है घरों में। हाँ, तो किस किस टाइप के विकास हुए हैं जरा बताइए, वो कैसे विकास हुआ है? हाँ, विकास है, पानी नहीं गया है, सीवर का पानी पीने का पानी नहीं, मैं गैस का पाइप गया है पीने के लिए। क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहते हैं कि भाई जो है उसका समाधान निकले। तो क्या समस्याएं आ सकती हैं भविष्य में? समस्या भविष्य में किस तरीके की समस्या है इसके? भविष्य में क्या बीमारी फैल रही है घर में, बच्चे बीमार हो रहे हैं, घर रात में सोते समय मास्क लगा कर सोना पड़ रहा है, डेंगू मच्छर एक काला 350 रोज लगता है घर में। बात केवल वाराणसी की नहीं है, वाराणसी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, बात पड़ोस के जनपद की है यानी गाजीपुर की।
यहां की स्थिति भी बहुत बुरी है। रिहायशी कॉलोनियों में जल निकासी की समस्या का कोई समाधान नहीं है। टूटी फूटी सड़कों पर जल जमाव के कारण स्थिति और दयनीय हो चुकी है। ना कोई संज्ञान लेता है, ना पानी निकालने की कोई व्यवस्था की जाती है। जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र के रौजा में आवास विकास और चंदन नगर जैसी कई रिहायशी कॉलोनियां हैं, जहां गलियों में पानी भरा हुआ है। गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। आने जाने के लिए जो सड़क है उसकी स्थिति इतनी बुरी है कि बड़े बूढ़े महिलाएं बच्चे सब गिरकर घायल होते रहते हैं। पानी के जमाव की वजह से गंदगी फैल रही है, कूड़ा कचरा बढ़ रहा है, इससे बीमारियां भी बढ़ रही हैं और लोगों के बीमार होने का खतरा भी बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे दरवाजे पर मौत खड़ी है। हमें कब कौन सी बीमारी हो जाए और उस बीमारी से हम इस दुनिया को छोड़कर कब चले जाएं, ये कहा नहीं जा सकता और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा इसको भी कोई बताता नहीं है। इन समस्याओं को लेकर हमने विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव से बात किया तो उन्होंने कहा कि सरकार तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है। हम समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और सूबे में भाजपा की सरकार। लगभग वो प्रोजेक्ट जो जल निगम से लेकर के और सीधे रेलवे क्रॉसिंग से होकर के सीधे जाता है वो गंगा में, वो अपने अपने विधायक निधि से अगर मैं पूरा पैसा दे दूंगा तब भी वो अधूरा रह जाएगा। वहाँ जगह जगह आप देखे होंगे रौजा ओवर ब्रिज जो है उसके जस्ट बगल में पूरा चारों तरफ से वह पानी भरा हुआ है। वहाँ पोखरी है, पोखरी में पानी इकट्ठा हो जाता है, ओवरफ्लो होता रहता है। अगल बगल जहाँ पानी खाली स्पेस पाता है वहाँ जाता है। लेकिन यहाँ का प्रशासन और प्रदेश की सरकार इस पर कोई भी गंभीर नहीं है। वो हमें जिम्मेवारी इसलिए जनता कहती है कि मैंने वहाँ से अपने विधायक को निर्वाचित करके भेजने का काम किया। बेशक उनकी मांग है, मैं चाहता हूँ कि वो बने, लेकिन पूरी अगर विधायक निधि दे दूंगा तब भी वो नहीं बन पाएगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूँ, जिला प्रशासन से भी कहता हूँ कि इसका प्रस्ताव बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी से वो इस प्रस्ताव को मांगने का काम करे जिससे जनता की समस्या का समाधान हो सके। अब इन समस्याओं का समाधान तो जनप्रतिनिधि और सरकार ही निकाल सकती है, कैसे ये भी उन्हें सोचना होगा। पूर्वांचल में बारिश कम होने की वजह से सूखे की स्थिति है। इस बीच बाढ़ से आम जनमानस को बहुत नुकसान हुआ है। गाजीपुर में नाव हादसा भी हो गया, 7 लोगों की मौत भी हो गई, उसमें कई मासूम भी थे। लेकिन बाढ़ वाली समस्या का समाधान भाजपा MLC विशाल सिंह चंचल ने खूब बताया, आप भी सुनिए। मैंने देखा है कि जब जब गाजीपुर में मुसीबत पड़ी है हम लोग के महाराज जी हमेशा गाजीपुर का ध्यान दिए हैं। आपको याद होगा पिछली बार गहमर में बाढ़ आई थी, जिस दिन महाराज जी आए उसी दिन गंगा जी का पानी घटना कम हो गया था और अभी अहमदाबाद में महाराज जी के पैर पड़े उसी दिन से गंगा जी ने आशीर्वाद दिया गाजीपुर वालों को। तो मैं महाराज जी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ और पूरे गाजीपुर के नौजवान साथी बड़े बुजुर्ग माताओं बहनों की तरफ से महाराज जी का अभिनंदन करता हूँ। अब बाढ़ की समस्या हो या जल निकासी की समस्या या टूटी फूटी सड़कों की समस्या, इन समस्याओं का समाधान तो जनप्रतिनिधियों को ही निकालना है। अब समाधान निकालने का तरीका उनका कैसा है ये तो वही बताते हैं, और इस तरीके से समाधान निकल जाता है और जनता संतुष्ट है तो भैया फिर बजाओ ताली। खैर, MLC साहब के बयान को आपने पहले भी देखा होगा और आपको पता भी होगा कि पिछले दिनों CM योगी जनपद गाजीपुर के PG कॉलेज में आए थे। वो वहां पर आए, उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया, बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया, लेकिन जनपद को कुछ दिया नहीं और ना ही वहां मौजूद जनप्रतिनिधियों ने CM योगी से कुछ मांगा। CM योगी ने यह तो कहा कि PG कॉलेज का कैंपस बहुत अच्छा है, बड़ा है, 10,000 के आसपास छात्र हैं, लेकिन यह नहीं कहा कि अब गाजीपुर में भी विश्वविद्यालय होना चाहिए। जब गाजीपुर सारे मानकों को पूरा करता है तो फिर विश्वविद्यालय क्यों नहीं होना चाहिए, या इसकी मांग जनप्रतिनिधि क्यों नहीं करते हैं? मौका अच्छा था, CM योगी जनपद गाजीपुर के PG कॉलेज में आए थे, शिक्षा को लेकर उन्होंने कई सारी बातें की। यदि जनप्रतिनिधि चाहते तो गाजीपुर में विश्वविद्यालय की मांग की बात भी हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, अब ये बात जनप्रतिनिधि बताएं या जनता बताए। फिलहाल छात्र तो परेशान है क्योंकि पीजी कॉलेज में चाहे प्रवेश हो, चाहे परीक्षा हो या परीक्षा का परिणाम हो, सब में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। छात्रों का तो यहां तक कहना है, यदि वर्तमान में आप विश्वविद्यालय नहीं दे सकते, उसमें वक्त लगता है,
तो फिलहाल विस्तार पटल कर दें ताकि इन समस्याओं का समाधान निकल सके। अब गाजीपुर में जनप्रतिनिधि सीएम योगी के सामने वाहवाही लूट रहे हैं या ताली बजा रहे हैं, ये सब जनता देख रही है। सच्चाई ये है कि मंच से सीएम योगी ने गाजीपुर को फिलहाल कोई उपहार नहीं दिया, ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने सीएम योगी से कोई उपहार मांगा। आपकी राय क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।